नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली में बुधवार को शरद पवार के आवास पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हमने देश के अलग अलग राज्यों में रैलियां करने का फैसला लिया है। पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी, जिसमें मोदी सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात होगी। सभी दल जाति जनगणना का मुद्दा उठाने पर भी सहमत हुए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि सीट शेयरिंग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, अभी पार्टियां मिलकर इस बारे में जल्द से जल्द फैसला करेगी। उन्होंने बताया कि बैठक में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्हें ईडी ने सम्मन किया था। मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, हमने साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक मीटिंग में नेताओं ने जल्द सीट बंटवारे का फार्मूला मांगा है। अब ये तय किया जाना बाकी है कि लोकसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा किया जाए। कई नेताओं ने कहा कि सीट शेयरिंग के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।